हाँ जी, एम रमनदीप कौर, इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फ्रॉम बाबा फरीद आई टी बोजो। हाँ जी, जिमें कि तुहानू पता ही है वी आपां पहलियां दो वीडियो दे विच स्किन स्ट्रक्चर दियां फर्स्ट टू लेयर्स दे बारे गल कीती सी। जिहड़ी फर्स्ट है कि एपीडर्मिस, सेकेंड लेयर डरमिस एंड जिहड़ी थर्ड लेयर है साडी हाइपोडरमिस। तां इस वीडियो दे विच असीं हाइपोडरमिस लेयर ऑफ स्किन बारे गल करांगे। जिहड़ी हाइपोडरमिस लेयर है साडी स्किन दी थर्ड लेयर हुंदी है। जिस तरह कि असी पहलियां दो वीडियो दे विच ये पढ़िया सी कि इस मतलब ये जाणिया सी कि जिहड़ी साडी स्किन दी फर्स्ट लेयर है एपीडर्मिस, आउटिंग कवरिंग जां आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जिस दे विच कोई ब्लड वैसल जां ब्लड नहीं हुंदा, साडी जिहड़ी आउटिंग कवरिंग है एपीडर्मिस स्किन एपीडर्मिस लेयर हुंदी है। एंड जो नैक्सट है सैकेंड लेयर है डरमिस लेयर, जिस दे विच कि ब्लड वैसल्स एंड ब्लड वैसल्स, ग्लैंड, पेन रिसैप्टर्स एंड हेयर फॉलीकल्स, ये सारिया चीज़ें शामिल होंदिया ने। तो जिहड़ी साडी हाइपोडर्मिस लेयर हुंदी है ये साडी जिहड़ी हुंदी है फैट दी बनी हुंदी है, तो जिस दे विच कि जिसनों असी सबक्यूटेनियस टिशू भी बोल दिंदे आ, ये साडी स्किन दी थर्ड लेयर जां लोअर मोस्ट लेयर है। हाइपोडर्मिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सबक्यूटेनियस टिशू, तो जिस दे बारे असी इस वीडियो दे विच जानते हाँ कि जिहड़ी हाइपोडर्मिस लेयर है किस तरह बनती है, तो इस दे किहड़े किहड़े सैल जां इस दे ये किस तरह बनती है, इस दे बारे असी गल करते हाँ। जिहड़ी सबक्यू हाइपोडर्मिस लेयर है जिसनों असी सबक्यूटेनियस कहते हैं, ये साडी जिहड़ी स्किन दी थर्ड लेयर हुंदी है। तां हाइपोडर्मिस इज ऑलसो कॉल्ड सबक्यूटेनियस टिशू। तो जिहड़ी इस जिहड़ी ये लेयर हुंदी है, तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि ये हाइप अपनी उहदी रिच फैट दी बनती है। हाइपोडर्मिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सबक्यूटेनियस सबक्यू और सुपरफिशियल फेसिया, कंपोज ऑफ फैटी एंड फैटी लेयर ऑफ एडिपो एंड अरलायर कनेक्टिव टिशू। ये जो मेजर काम आता है इस लेयर का, स्किन दिया दोनों उपरलियां लेयर होंदिया ने उन्होंने साडे बोनस एंड मसल्स के नाल ज्वाइन करके जोड़ के रखती है। ये बेसिकली योजी लेयर है जी साडे विच कॉमन साइट फॉर इंजैक्शन, जिन्हें भी साडे इंजैक्शन वगैरह दिए जाते हैं वो सानू सारे सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस लेयर के ही दिए जाते हैं। ये सबक्यूटेनियस लेयर में ही सारे मतलब इंजैक्शन आते हैं साडे, ठीक है जी। जिहड़ा नैक्सट है मतलब कि जिहड़े साडे दे विच एडिपोसस टिशू होंदे ने जिहड़े जां अरलायर टिशू होंदे ने जिहड़े होंदे ने कंपोज्ड ऑफ फैटी लेयर विच इज कॉल्ड एज एडिपोस एंड टिशू एंड अरलायर कनेक्टिव टिशू। ये दोनों इस विच प्रेजेंट होंदे, जिहड़े एडिपोस टिशू होंदे ने बेसिकली जिहड़ी लेयर है साडे मतलब बॉडी दे इंसुलेटर दा काम करदी है बॉडी लई, जिवें कि असी सर्दी तो बचने लिए कंबल यूज़ करते हैं, कंबल लैने हैं, ये साड़ी लेयर जिहड़ी हैगी बॉडी दे विच हमेशा प्रेजेंट रहिंदी है। तां जो साडे वी जिवें असी किसी ठंडे एरिए दे विच जांदे जां जिथे टैंपरेचर बहुत लो हुंदा है, तां उत्थों ये साडे लिए मतलब सारे टैंपरेचर नूं मेनटेन रखने लिए बैलेंस बनाई रखने लिए उस नूं ठीक रखने लिए साडी जिहड़ी हैल्प करदी है, साडे जिहड़ा हीट हुंदी उहनूं बाहर नहीं आउण दिंदी, जिहड़ी बाहरली ठंड उहनूं अंदर नहीं जाण दिंदी। जिहड़ा इसदा मेजर फंक्शन है उह तुहाडी बॉडी दे जिहड़ा ऑप्टीमम टैंपरेचर नूं है मेनटेन रखना जां उसनूं डिस्टर्ब होने तो रुकना है। एंड एंकर स्किन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कंटेन एडिपोस टिश्यू एंड ब्लड वैसल्स एंड मोस्ट कॉमन सैल्स फॉर जो होंगे ये मोस्ट कॉमन सैल्स आर फाइब्रोब्लास्ट एडिपोस सैल्स एंड माइक्रोफेजस। ये जो वक् वक् तरह के सैल जो मैं तुम्हें पहले भी दसे एडिपोस टिश्यूज होंगे ने जोड़े एंड फाइब्रोब्लास्ट इज हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन आर प्रेजेंट इन दिस लेयर ऑलसो। एंड जोड़े माइक्रोफेज सैल्स होंगे ने जोड़े वो बड़े साड़ी स्किन होंगे जोड़े डिफेंस का काम करते हैं। एंड जो नैक्सट काम होंगे जो कॉमन साइट फॉर जो होंगे साड़ी जो दस भी इंजैक्शन वगैरह का काम जो सा इस लेयर में होंगे, जो फंक्शन की गल करिए इस अबेंडेंट ब्लड वैसल्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट डिस्पोजल फॉर द एपीडर्मिस एंड डरमिस। ये जो सा मतलब न्यूट्रिएंट्स होंगे जो सा डरमिस से एपीडर्मिस सप्लाई की ये वालों किए जाते हैं एंड जो वेस्ट मटीरियल होंगे उन्होंने बाहर कड़ती है। एंड जिमें कि तुम्हें दस है कि साडे जिहड़े बॉडी टैंपरेचर है वो बॉडी टैंपरेचर रेगुलेशन नूं ठीक रखने लिए उन्हों इंसुलेट का काम करते हैं। एंड जिहड़े नैक्सट है शॉक अबजोर्बर, ये साडे लिए जिमें कि एयरबैग का काम करते हैं, शॉक अबजोर्बर होंदे ने जिहड़े साडे लिए एयरबैग्स का काम करते हैं। जिमें असी कितों डिग जाने तो साडे कोई जिहड़े मतलब इंटरनल ऑर्गनस होंदे ने उन्हां नूं सट तो बचाउण लई इंजुरी तो बचाउण लई साडे लिए ये
हेल्प करते हैं ता जो साढ़े मतलब कोई इंटरनल ऑर्गनस नू डैमेज ना हो सट ना लगे। ठीक है जो नैक्सट है इट इज़ हेल्प्स टू फैट एंड वाटर स्टोरेज। इट इज़ ऑल्सो रिसपोंसिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ स्किन टू द टिशू बिलो इट। इस तरह इसका जो मेजर काम हों अटैचमेंट टू ऑफ स्किन टू द टिशू बिलो इट। इस तरह तुहानू पता है कि जिहड़े साडे लई जिहड़े स्किन आ वख वख तरह के काम करती है साडी सेफ्टी के नाल नाल बहुत तरह के जिहड़े साडे लई काम करते हैं। जिवें कि आ तुसीं इहदे विच देख रहे हो जिहड़ा उपरला असीं स्किन की स्टडी की सी तां एपीडर्मिस लेयर फर्स्ट लेयर जिस असीं फाइव लेयर बारे गल की सी जो मतलब तुसीं देख रहे हो जिहड़ी फर्स्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर एपीडर्मिस लेयर एंड जो तुसीं देख रहे हो ये जिहड़ी जिगजैग की तरह बनी हुई है लेयर जिहड़ी मतलब साडी एपीडर्मिस दे नाल जुड़ी हुई लेयर है। नैक्सट है जी वो साड़ी हैगी है डरमिस की जी लेयर है वह है पपीला लेयर जिसनों असं डरमल पपीला भी बोलते जी तुम देख रहे हो जिते करसर चल रहा है ये साड़ी डरमल पपीला लेयर है। एंड जी तुम देख रहे हो कि ये जी नीचे दिती हुई है जिते सर्कल कर रहे हैगी है रैटिकुलर जी फर्स्ट है एपीडरमिस एंड इस फाइव लेयर जी नीचे देख रहे हैं तुम ये रैटिकुलर लेयर एंड जो लास्ट है वो साड़ी हैगी है हाइपोडरमिस जां सबक्यूटेनियस लेयर जिस बारे असी गल कर रहे हैं। सबक्यूटेनियस लेयर जी कि साड़े रिच फैट की बनती है तो जी फर्स्ट लेयर होंगी जिमें कि तुम्हें पता ही साड़ी जी एपीडर्मिस आउटिंग कवरिंग है जिस असी स्किन देख सकते हैं तो जी स्किन साढ़े लिए किन्नी भी साढ़े लिए की काम कर रही है तो असं पहला जिमें सैल्स बारे कर रहे हैं असी भी पहला दोनों लेयर की गल की जी फर्स्ट लेयर होंगी है जिमें कि एपीथेलियल टिशू तो बनती है जी डरमिस लेयर वेद कनैक्टिव टिशू कोलेजन एंड अलास्टिन टिशूज़ तो बनती है। जिहड़ी थर्ड लेयर है साड़ी एडीपोस टिशूज़ तो बनती है जिहड़े कि फैटी टिशू होंगे ने साडे उन्हां तो बनती है। एंड जिहड़ी फर्स्ट लेयर है विच कोई ब्लड वैसल्स नहीं होंदी है। सैकंड लेयर जिहड़ी उहदी रैटिकुलर लेयर है उहदे विच ब्लड वैसल्स एंड साडे पेन रिसेप्टर्स हेयर फॉलिकल एंड ग्लैंड सारे जिहड़े रैटिकुलर जां डरमिस लेयर दे विच सारे प्रेजेंट होंदे ने। एंड जो तुसी देख रहे हो कि असी देख रहे हो कि जिहड़ी साडे ब्लड वैसल्स होंदे ने साडी हाइपोडर्मिस लेयर दे विच भी पाए जांदे ने। तो जिहड़ी साडी जिहड़ी स्किन दा मेन काम की होंदा जिवें असी पहलां भी पढ़ चुके हैं कि जिहड़े साडे मतलब सूरज दीआं जिहड़ी यूवी रेडिएशन होंदीआं ने हार्मफुल रेडिएशन तो साडी जिहड़ी प्रोटैक्शन तो उहनां तों सानूं मतलब कि बचाउण दा काम भी इह करदे ने। साडे टैंपरेचर नूं मतलब सही रखना प्रोटैक्शन का काम है साढ़े टैंपरेचर नूं सही रखने का काम है जां साढ़े जिहड़े इनवायरमेंट दे विच मौजूद किसी तरह के भी कोई भी बैक्टीरिया सानूं उन्हां तों सेफ्टी देना एंड साढ़े कोई भी इंजूरी होने ते साढ़े सट लगन ते उहदे विचों ब्लड निकल रहे ब्लड नूं रोकना जां किसी कट लगी हुई जां सट लगे हुए डूंघे जख्म नूं भरन का काम भी साडी जिहड़ी स्किन का ही हुंदा है। इस तरह जी स्किन है साढ़े लिए मतलब कि वक् वक् तरह के जोड़े काम करते जिमें कि तुम इस देख रहे हो कि जिमें भी जोड़ा सा ब्लड निकलता है तो ये जोड़े वक् वक् तरह के सैल होंगे जिमें कि लंगर हंस सैल हो गए वो साढ़े लिए हैल्पफुल होंगे ने इन्हों इंजूरीज को रोकने लिए। फंक्शन ऑफ द स्किन के असं देख रहे हैं इस विच तुसीं देख रहे हो जी जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि प्रोटैक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी साढ़े प्रोटैक्शन लई हैल्पफुल होंगे ने। सेंसेशन ऑफ transmitting to the brain information about surrounding ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਊਟਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਜੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਐਡੀਪੋਸ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਇਮਿਊਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹੰਸ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨੇਬਲ। ਐਂਡ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਜੁਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਡੀ
ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटीरियल बाहर कढ़ना, एंडोक्राइन फंक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी एंड इस नूं प्रोड्यूस करने विच साडी हेल्प करदे ने। थैंक यू सो मच। मैनूं लगदा है कि तुहानूं इह वीडियो वधिया पसंद आया होना एंड तुसीं वधिया तरीके नाल इहनूं समझा होना। थैंक्स।